नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि ये मशरूम, ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद मोटे मोटे मशरूम आप घर की रसोई में कैसे उगा सकते हैं। और कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ एक ये पॉलीथिन लेना है और पॉलीथिन में किस तरह से उगाएंगे हम गेहूं के भूसे के साथ, वो मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाने जा रहा हूं, ताकि आप ऑर्गेनिक मशरूम उगा करके खाएं और स्वस्थ जीवन बिता सके। क्योंकि जो मार्केट से लेते हैं वो महंगा भी काफ़ी होता है, और आपका ऑर्गेनिक है या नहीं है, क्या केमिकल डाला गया, कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो कम से कम आप सामने उगाएंगे तो आपको अच्छी ऑर्गेनिक मशरूम मिलेगी और अपने घर में मिलेगी। रात को 12 बजे चाहिए, 12 बजे ले लें। तो आइए प्रोसेस जानते हैं। ये देखिए, ये जो है गेहूं का भूसा है, जो गेहूं का भूसा ये जानवरों को चारे के रूप में दिया जाता है, वही भूसा है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम क्या करना होता है, हमें स्टरलाइज करना होता है एक तरह से, कि किसी तरह का फंगस बीमारी जो इसके अंदर है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारे सेहत से जुड़ी समस्या है ये। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का जो है कढ़ाया ले लेंगे और उसके अंदर पानी को बॉयल करेंगे। जैसे देखिए ये पानी बॉयल होने को तैयार है, और बॉयल पानी हो जाए तो उसमें क्या करना है आपको, ये भूसा जो गेहूं का है इसको उठा के इसमें डाल देना है। आपने इसको इस तरह से डाल देना है और कम से कम 15 मिनट उबलते पानी में इसको ऊपर नीचे करना है। ये देखिए इस तरह से आपने ऊपर नीचे करना है, ताकि इसका जो पूरी तरह से पानी में डिप हो जाए, और इसके अंदर जो भी कुछ बैक्टीरिया, कोई विषाणु कुछ भी है, जो किसी तरह की कमी है, वो आपकी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आपने 15 मिनट इसको बॉयल करना है। दोस्तों अपने घर में ही ये तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह का पानी हो जाएगा इसका बॉयल होने के बाद, और जो इसकी कमियां हैं वो निकल जाएंगी। जब ये 15 मिनट पूरी तरह से बॉयल हो जाए तो इसको छान करके एक साफ़ बर्तन में, कोई प्लास्टिक का बर्तन ले ले या कोई लोहे का बर्तन हो, साफ होना चाहिए, इस तरह से इसको छान लेंगे। ये देखिए ऐसे छान लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये 2 से 3 दिन में जाके अच्छे से ठंडा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से छान लेंगे, ये छान लिया हमने ऐसे। और मशरूम जो है मार्केट में महंगा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो ओरिजिनल है या नहीं है ये नहीं पता, क्या केमिकल डाला गया, उसका सफ़ेदी के अलग डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम नेचुरल खाद देंगे और नेचुरल तरीके से तैयार करेंगे, कैल्शियम से भरा मशरूम होगा। मार्केट वाला मशरूम आप देखते हैं कि आपका जो है फिस जाता है, काला पड़ जाता है, लेकिन जो ये मशरूम आप घर में उगाएंगे वो ना तो जल्दी से मेल्ट होगा, मतलब कि ना दबेगा, और ना ही जो है वो आपका काला पड़ने वाला है जल्दी। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस तरह से हम एक बार निकाल के और इसमें दोबारा डाल देंगे, ये बॉयल होगा इस तरह से। ये देखिए अब दोस्तों हमने रख दिया, 2 से 3 दिन में ये ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा होने के बाद क्या करना है ये देखिए, ये दोस्तों ये ठंडा हो गया है जो हमने बॉयल करके रखा हुआ था, बॉयल करके रखा हुआ था, ये देखिए ये ठंडा हो गया। अब ठंडा होने के बाद क्या करना है आपको, ये प्रोसेस देख लें। ये देखिए इसके अंदर हम, ये आप देख रहे हैं नेचुरल तरीके से पत्तों की खाद जो बनाई गई है वो हम खाद इसके अंदर मिला दे रहे हैं। एक बैग के लिए लगभग आधा किलो के अराउंड हमने खाद इसमें मिला देना है। ये खाद हमने ये मिला दिया। खाद के साथ दोस्तों जैसे मैंने बताया कैल्शियम के लिए भरपूर क्या होगा, ये देखिए ये नेचुरल जो है पत्थर का पिसा हुआ पीस पार्ट है, पाउडर है, जिसको हम मिला रहे हैं। 2 मुट्ठी एक बैग में हम मिला देंगे, और ये क्या करेगा दोस्तों, कैल्शियम, फॉस्फोरस और जिंक, ये तीनों प्रोवाइड करेगा। कैल्शियम आप सभी जानते हैं हमारी शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, तो ये मशरूम के थ्रू विटामिन मिनरल्स के साथ साथ हमें कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा और अच्छा मशरूम तैयार होगा। ये चीज़ें हमने मिला दी। अब कई लोग कहते हैं कि केमिकल के बगैर होता ही नहीं, ये देखिए हमने थोड़ा सा एक मुट्ठी नीम खली मिला दी, ताकि किसी तरह की कोई बीमारी और ना लगे इसमें। ये मिला करके इस मिश्रण को हमने तैयार कर लेना है ऐसे, ये देखिए अच्छे से मिला देना है इसमें, ये देखिए अच्छे से मिला करके, और इसको आपने क्या करना है, अच्छे से ठोक के पानी छिड़क देना है इसमें ऐसे, और इसको जो है लगभग 1 हफ्ते के लिए छोड़ देना है। ढक के रख देंगे 1 हफ्ते के लिए इसको पानी छिड़क के। 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि ये काला पड़ जाएगा।
इस तरह का कुछ टेक्सचर हो जाएगा। ये देखिए इसका, वो गेहूं का भूसा ही है, और ये देखिए ये एक हफ्ते में काला पड़ जाएगा। जब इसको ढक के रखेंगे, पानी का मॉइस्चर दे देंगे, तो एक हफ्ते बाद इस तरह की सिचुएशन आ गई, इसमें सब कुछ मिक्स है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, बीज डालने का टाइम हो गया इसमें मशरूम में। अब मशरूम का बीज देखिए इस तरह के बॉटल में आता है और इसको ठंडे में रखा जाता है, ये देखिए। और बता दूं आपको, किसी बॉटल में नहीं रख सकते, बंद बॉटल में, क्योंकि बंद बॉटल में एयर नहीं जाएगा, एयर टाइट हो जाएगा, तो ये जो जीवाणु है इसके, ये एक तरह का फंगस ही होता है मशरूम जो पैदा करता है, तो वो मर जाएगा। इसीलिए देखिए इसका ये इस तरह का रुई का जो है ढक्कन बनाया गया है, ताकि कोई चीज़ और ना जा सके, लेकिन एयर जो है इसमें से पास हो सके। और ये अब रखने का जो तरीका है, इसको फ्रिज में जहाँ पे आप दोस्तों सब्जी रखते हैं वहाँ पे इसको रखा जाता है, ताकि इसको ठंडक मिले, क्योंकि गर्मी में ये मर जाता है। इसीलिए हम खुले में जो मशरूम उगा रहे हैं, ये आपका अक्टूबर नवंबर से लेकर के और फरवरी मार्च तक ही उगा सकते हैं। बाकी जो अपने एसी फार्म से, उसमें तो पूरा साल उगता है, लेकिन यहाँ पर जो हमें घरों में उगाना है, आपका अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च तक ही उगा सकते हैं। अब देखिए एक बैग के लिए हम कितना बीज डालने वाले हैं, ये देखिए, ये एक बैग हम बनाएंगे, एक बैग के लिए ये जो है लगभग 100 ग्राम के आसपास बीज जो है ये हम इसमें डाल देंगे। ये भी बहुत ज़्यादा है, चाहे तो थोड़ा कम कर सकते हैं इसमें। ये डाल के इसको साथ के साथ हम इसको बंद कर लेंगे। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इसको इस तरह से मिक्स कर देना है, ताकि बीज जो है ये पूरे के पूरे कंपोस्ट में हमने जो तैयार किया है उसमें आपका चला जाए। लेकिन इसके साथ साथ ख्याल रखना है, ये आपका साफ़ सफाई वाला जगह होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जो भी आप बर्तन यूज़ करें, साफ़ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ज़मीन पे नहीं करें, ज़मीन पे करें, फ़र्श कोई हो तो अच्छे से उसको स्टरलाइज़ कर लें, गर्म पानी से धो लें, तब यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये इसके अंदर हमारा मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद कुछ नहीं करना है, एक ये पॉलीथीन लिया, उसमें सुराख काट लेने, जैसे कि देखिए मैंने काटा है, और जगह जगह से इसके छोटे छोटे सुराख कर देने हैं, ताकि जो हवा है वो इसके अंदर नीचे से जाती रहे, गैस ना बनने पाए। तो गैस नहीं बनेगा, हवा जाती रहेगी और ये सर्वाइव हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हमने किया। अब इसको, कंपोस्ट को हम इस बैग में ऐसे भर लेंगे। ये भर के रख देंगे, और इसका जो 7 दिन का टाइम लगेगा भर के रखने के लिए, एक मिनट, इस तरह से भर के और ऐसे ठोक करके हम क्या करेंगे, इसको बांध देंगे ऐसे टाइट करके, ऐसे टाइट करके बांध के रख देंगे। 7 दिन बाद आप देखेंगे कि इस तरह की सफ़ेदी इसमें आनी शुरू हो जाएगी, इस तरह की सफ़ेदी आनी शुरू हो जाएगी, तो हम इसको खोल देंगे। खोल करके और इसके ऊपर एक कोकोपीट की लेयर जो होती है वो डाल देंगे इसके ऊपर, उससे ढक देंगे, ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो इजीली इसमें से निकल के मशरूम में कन्वर्ट हो जाए। अब कोकोपीट डालने के 7 दिन बाद इस तरह से मशरूम आने आपके शुरू हो जाएंगे, वाइट वाइट हो जाएगा। ये देखिए ये छोटे छोटे मशरूम जो हैं ये निकलने शुरू हो गए, और आगे देखेंगे 7 दिन बाद ये शुरू होगा, और 3 दिन में ही, 7 दिन के बाद, 3 से 4 दिन के अंदर ये मशरूम इस तरह का निकल आएगा। इसको तोड़ने का तरीका दोस्तों क्या है, आपको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है, ऐसे निकाल लेना है। इसको ऐसे नहीं तोड़ना है कि इसका जो जड़ जो है वो कोई इसके अंदर रह जाए। तो ये देखिए इस तरह से मशरूम आपको तैयार मिलेगा, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इस तरह से मशरूम आप निकाल सकते हैं। अगर इसका जड़ बीच में से काट लिया चाकू से, यहाँ रह गया, तो वो फंगल इन्फेक्शन यहाँ खड़ा कर देगा और ये फंगस लग जाएगी इसमें। तो इसको तोड़ करके और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए अपने घर में ही इतने बढ़िया मशरूम। और इसकी खासियत यह है कि ये दबेगा नहीं, देखिए बिल्कुल गोल है, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल। तो इस तरह का मशरूम अपने घर में इस टेक्निक से आप उगा सकते हैं।